हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो सो ऋषभ इज़ हेयर। तो काफ़ी टाइम बाद आ रही है वीडियो, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद आ रही, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आजकल कहीं काम वाम चल रहा था उसमें बिजी हैं, तो कुछ उसी जैसा कहीं बाहर वगैरह जा नहीं पाते। इतनी धूप भी, गर्मी बहुत है दिल्ली में, भाई साहब एकदम खतरनाक गर्मी है, क्या ही कहें। तो छोड़ो, आज का प्लान है, आज है हमारा शनिवार सैटरडे, तो अभी दिन के बज रहे हैं 2। तो आज का हमारा मॉर्निंग करनी, नाइट का प्लान है नाइट राइडिंग का। तो फिर आज निकलेंगे हम वैसे 9 बजे, फिर दिखाते हैं आपको आके। तो आज शाम को ही जाएंगे हम अपनी स्क्वाड, वही पुरानी जो अरावली गई थी वहीं जाएंगे शाम को। वैसे वही सारे बंदे, सागर वगैरह, आकाश वगैरह, साई में भैया और हमारे ब्लॉगर भाई ब्रॉट एक्सट्रीम, जिसने भी अगर भाई का चैनल नहीं देखा है तो एक बार जाके देख, भाई की खतरनाक झेर झेरे वीडियो। भाई के चैनल का नाम है बॉट एक्सट्रीम, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। फिर दिखाते फिर आपको, आगे चलते हैं, तैयार व्यार होते, शाम की तैयारी करते, शाम को निकलना भी हमें 9 बजे, मिलते हैं आपसे आगे। चल निकाले, पीछे लग जाएगी। ओए चाबी दे, चाबी दे, चाबी सर की हटानी पीछे से। अब ये कट जाएगी भाई, कट जाएगी। ओए हाँ भाई, ठीक है तू? ये हमारे प्रो प्लेयर के पैर में लग गई। जा रहा है भाई इस घर का हिस्सा है। लेट्स गो टू राइडिंग। ए जल्दी अंदर आ, चल चल अंदर। मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अभी भी चिल्ला मत। ये कैसे निकल रहे हो ऊपर? ये हां तो बिना स्कूटी के कैसे जाएगा? ये तो कह में स्कूटी भी है, तो बाकी सब बैठे हुए हैं, चलते हैं। क्या बोल रहे हो? चल रहे हैं आगे गेट पे, अपना साईं भाई संकेत भाई वेट कर रहे हैं अपना गेट पे। ये रहे अपने हेलमेट, ये रहे क्या भाई, जब तुमने के क्या निकला ना? मैंने पीछे बोला था ना? और भाई कैसे हो? डायरेक्टर सर, अपनी गाड़ी में कर हम जा रहे हैं पर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, चलते हैं अपनी भाई की बॉट एक्सट्रीम। ये अपनी R1 और अपनी AZ 250 का एग्जॉस्ट एक्राफॉबिक, और ये अपना SC प्रोजेक्टर। अबे कहाँ चले गए तुम? आ गए, आ गए, ये रे आ गए। हमने यहाँ सब पेट्रोल पंप सब में फुल फुल टैंक हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से, सब एकदम रेडी। चलो भाई चलो, लेट्स गो, चलते हैं, मिलते हैं आप सब। भाई ने खाया गुरुद्वारा के लंबे बहुत है, गुरुद्वारा के अपने यूट्यूबर भाई ब्लॉगर बहुत अच्छी महीने अपनी गाड़ी मर कराई है, तो बढ़िया बाइक का एग्जॉस्ट फुल्ली भैया ने, भाई ने एंगल लगाए हैं एकदम, लुक सेक्सी लुक दे रही है ये अपनी। सागर, सौरभ भाई, आकाश, बाकी अपने बंदे पीछे रह गए तो उनका वेट कर रहे हैं। अभी हम रुके थे यहाँ पे, इस साइड जो है बंगला साहब है, तो उन पर वेट कर रहे हैं। बाकी जो अपनी R1 रह गई पीछे, उसका वेट कर रहे हैं। यानी कहाँ रह गए दोनों दोनों, R1 और AZ रह गए पीछे, उसी का वेट कर रही है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अंदर बंगला साहिब पे। उसी से बात कर रहे हैं, वो वाली गाड़ी क्या? अच्छा, अच्छा क्या नाम है? तुम अपनी गाड़ी ना, अपने गांव की गाड़ी के रूट कुछ ऐसा भी है रात का। फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर बंगला साहिब से,
हम जा रहे हैं एग्जिट के लिए, यहाँ से भी है भाई, यहाँ से भी है पार्किंग जा रहा है पार्किंग में अपनी बाइक्स लेने, सामने अपनी बाइक लगे तो लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाइक ये अपनी हैजर्ड निकलते हैं बाहर। ये हैं सब बाहर अपने जगह पे, लोग आ चुके हैं बाहर घूम के, बाइक खरीदी अपनी यहाँ पर, मेरी चलाएगा हम से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी। इनको रास्ता नहीं पता कहाँ जाना था, वो घूम रहे कहीं बिना बात के, देख रहे हैं ऐसे दिमाग यूट्यूबर है। तो यहाँ पर अपना पोपट हो चुका है, हम यहाँ इंडिया गेट के चार चक्कर मार ले रहे हैं अंदर, और मेरे ख्याल से शायद इंडिया गेट खुला ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं मैं इसके यहाँ। अब घर की तरफ निकल रहे हैं वापस, अंकल थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं फिर निकलते हैं, फिर वापस अपने घर के बाद दुर्गा मोड़ साइड चलते हैं, फिर इसके यहाँ वापस। तो अपना प्लान चेंज, अपन जा रहे हैं मूर्थल, अभी अभी अपना प्लान चेंज हुआ था, पर निकल रहे हैं मूर्थल, सबके साथ यहाँ बैग वैग खड़ी होकर निकलते हैं। अब प्लान फिक्स नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इंडिया गेट के उन्होंने चार चक्कर लगा दिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर पाँच चक्कर लगा दिए, कुछ सीन नहीं है, मतलब कन्फर्म ही नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं आना, रात को वैसे ही हंडा रहे हैं इसके आगे, देख लो देखते हैं अपना प्लान, मूर्थल निकलते हैं, मूर्थल चलते हैं। तो फाइनली अपन पहुँच चुके हैं, बट माता पोपट हो गया, हम क्या बोलते हैं वहाँ निकल गया मूर्थल नहीं गए, हम आए महिपालपुर, रेल है सीढ़ी के आस पास ही पड़ता है, पहले ही पड़ता है, तो हम उस साइड आए हैं, कुछ खाने पीने को, बड़ी भूख लग रही है, बड़ी गर्मी वाली, लेते हैं कुछ देखते हैं। सो फाइनली आई रीच होम, देखो भैंस लगा कैसे बन गई, बाल एकदम कबाड़े से हो चुके, तो हम पहुँच चुके हैं घर, और अभी बस रहे हैं 3:30। हाँ मैं मेरे को खाने हैं, हाँ मैं खाऊंगा, बट 3:30 तो हम आ चुके घर, ना ही हम मूर्थल गए ना हम कहीं 24/7 गए, खाली हाँ वहाँ गए थे महिपालपुर गए थे, उसके बाद सीधा घर आ चुके हैं, थक चुके हैं, भूख लग रही थी, खाने की प्रिपरेशन हो रही है हमारे, यहाँ पर खाना बनना आ रहा है, क्या बन रहे हैं मैगी बनना वाला रहता, रात को 3 बजे वाली मैगी, खाते हैं फिर, बड़ी भूख लग रही है ऐसा, बाहर तो कुछ खाया नहीं हमने, तो हो चुकी है अपनी सुबह, तो अपन अभी भी उठे हैं जस्ट, रात को हम चले गए थे जैसा आपने देखा होगा, बाकी हम आ गए थे रात को 3:30 बजे घर वापस आए, उसके बाद फिर हमने दिखाया था मैगी वैगी बनाई खाई, उसके बाद जो नींद आई ना भाई साहब, आँख एकदम बंद फुल बंद हो गई आँखें पूरी, सीधा जाके सुबह खोली नींद अभी, वैसे सुबह तो मैं अपने घर पे आ गया था 5 बजे करीब, तो वैसे रात को मैं सो रहे थे मैं काश घर पे, सुबह मैं अपने घर पे आ गया था 5 बजे करीब आ गया था, तो उठा अभी टेस्ट अभी उठा मैं, बस अभी नहाया देखो भी नहीं, सीधा अभी आ गई वीडियो बना रहा हूँ, देखो बाल बाल दिख रहे हूँ आपको ऐसे ही हो रखे पूरे, फिर देखते हैं अभी चलते हैं बाइक रिपेयरिंग कराने के लिए, अपनी बाइक हमें रिपेयरिंग करानी है, प्लैटिना शायद आपने देखा नहीं होगा, एक ही दोबारा दिखाओ वीडियो में, या दिखा नहीं होगा शायद आपको दिखाएंगे यार उसका काम है, तो चलिए चलते हैं सीधा आपको मिलते हैं आगे दुकान पे। आ चुके हैं शॉप पे, बाइक ठीक करवाने हैं, अपने बाइक के कुछ ऐसे आएंगे फिर लगाएंगे कुछ, क्या
क्या करें यार, करना पड़ता है भाई। बाइक अपनी एडजस्ट तो ठीक ही होगी, क्या करना पड़ेगा। देखते लाते सामान, देखते